भाभी किधर? आ रही है, आपको को मेडिसिन दे रही है। तुम कॉफी लो ना, ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। ज्वाइन कर लिया? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने अरसे बाद कैसा लगा? लगा ही नहीं इतने अरसे बाद गया। सब इतने अच्छे से मिले, इतना अच्छा वेलकम किया। चलो गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। कुछ किस्मत हो कितने प्यार करने वाले लोग मिले थे। पता नहीं, की समझ नहीं आती कि खुश किस्मत हूं कि बदकिस्मत। जिन्हें प्यार करना चाहिए वो करते नहीं है, और जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, दिन मांगे इतनी मोहब्बत दे देते हैं कि अब कुछ समझ नहीं आता मुझे। खूनी रिश्ते कभी टूटते नहीं है, एक ना एक दिन उन्हें एहसास हो जाएगा, अब वो आके तुम्हें गले लगा लेंगे। लेकिन जिनसे कोई रिश्ता ना हो और वो जाने चाहवा करे, तो ये खुशकिस्मती है शायद। मुझे थैंक यू करना था मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। जिन्हें अपना समझ लिया जाए उनके लिए कुछ भी करते हुए खुशी होती है, और उसके लिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं होती। आजा बेटा, ऑफिस कब से ज्वाइन करना है? बस बाबा, कल से ज्वाइन कर रहा हूं। अरे जी बाबा, आपने बुलाया था? हाँ शहजीन बेटा, तो हमारे पास भी बैठा करो, सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती हो। अब भाई भी कल से दफ्तर जाना शुरू हो जाएगा। है जी बाबा। शहजीन, मैं ये कह रहा था कि शहजीन, क्या हुआ शहजीन बेटा? पता नहीं बाबा, वो चक्कर सा आ गया। बाबा मैंने आपसे कहा भी था इसको डॉक्टर के ले जाए। हाँ बेटा, मैं कल जरूर अपॉइंटमेंट लेके इसको लेकर जाऊंगा डॉक्टर के पास। बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक नहीं हो तुम, तुम्हें वीकनेस हुई थी। नाजी, नाजी जी। भाई शहजीन के लिए जल्दी से जूस लेके आओ। जी अच्छा, जूसेस वगैरह पिया करो। भाई मैं ठीक हूँ, आपने खामा खाई उन्हें परेशान कर दिया। शहजीन बेटा तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ बाबा। मेरी बच्ची बहुत कमजोर हो गई। ताया जी को तो मैं अब उनकी मनमानी नहीं करने दूंगी, वरना वो मेरे और आजर के दरमियान फिर से आ जाएंगे। कितने अच्छे मूड में आए थे ना सब, लेकिन इस शहजीन की बच्ची ने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। शादी हो गई है मगर अब भी नन्नी काकी बन जाती अपने बाप भाई के सामने।